और आरएसएस, एक भाई आईबी का प्रमुख होता है, दूसरा भाई आरएसएस का प्रमुख होता है। पुलिस और आरएसएस, दामाद पुलिस का प्रमुख होता है तो ससुर आरएसएस का प्रमुख होता है, तो कौन किसका इन्वेस्टिगेशन करेगा? आईबी इतना इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है कि ये आईबी आरएसएस की शाखा बन गई है, और आरएसएस कुछ भी करता है, ये 18 बॉम्ब शूट का अभी इतनी जिक्र करने का समय नहीं है, लेकिन 18 बॉम्ब शूट किए और नाम मुस्लिम के डाले और वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ। यदि करकरे जैसा आदमी नहीं आता तो ये होता नहीं। करकरे कौन था? वो भी ब्राह्मण था, लेकिन कई लोग ऐसे हैं, और करकरे को ना इस्माइल ने मारा ना कसाब ने मारा। आप यदि कोई किताब पढ़ी होगी, हमारे दोस्त है मुस्लिम करके, उन्होंने भी लिखी है, हम भी उसका प्रचार करते हैं कि इस्माइल और कसाब के हाथ में जो वेपन था उसकी एक भी गोली, एक भी बुलेट की जख्म करकरे के बॉडी पर नहीं है। सब सुन ले, एक भी बुलेट की जख्म करकरे के बॉडी पर नहीं है। तो करकरे के बॉडी पर कौन सी जख्म है? उसके वो जैकेट था, उसको पुलिस ने ऐसे या गले में उनका पिस्तौल से, ये जो पुलिस के पास पिस्तौल होता है 0.9, उससे वो उसको मारा है। तो हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट तक अर्ज किए कि यदि बैलेटिक एक्सपर्ट ने कहा है कि कसाब या इस्माइल की गोली से वो मरा नहीं, ये पाकिस्तानी टेररिस्ट आए थे, उनका रवैया अलग था, उन्होंने ताज ओबेरॉय देखा, लेकिन करकरे को मारने के लिए ये आरएसएस की साजिश थी, क्योंकि करकरे ने गांधी के मर्डर के कॉन्स्पिरेसी से कई गुना ज्यादा खतरनाक। अभी भी मेरे पास मिनट्स है, ये 2008 में फरीदाबाद में मीटिंग हुई, वो फरीदाबाद के मीटिंग में इन्होंने तय किया कि हमें हिंदू राष्ट्र लाना है। कौन था? पुरोहित, उपाध्याय, द्विवेदी और नाम है कई। उनकी मीटिंग हुई, उसके मिनट्स कोर्ट में दाखिल है, मीटिंग के मिनट्स कोर्ट में दाखिल है, और तय हुआ था कि हमने इसराइल से मदद ली है, हमने नेपाल से मदद ली है, हमें हिंदू राष्ट्र स्थापन करना है, हम ये संविधान को मानते नहीं, मुस्लिम ईसाई हमारे शत्रु है, सावरकर चाहिए। इसलिए मैं आपके सामने विनती करता हूं, ये जजमेंट हमें जब तब देना पड़ेगा जब हम मोदी शाह को आरोपी के कठड़े में, अपराधियों के कठड़े में जब तक खड़े नहीं करते, ये जजमेंट कैसा पूरा होगा? और ये तालियां बजाने से नहीं होगा। मैं आपको विनती करता हूं कि हम डट से आज इसी मूवमेंट से तय करें कि हम ना मुस्लिम, ना दलित, ना आदिवासी है, हम इंसान है, हम इंसानियत का धर्म जानते हैं, और हम सब मिलके इन सबको साथ लेके मोदी को धक्का देंगे। अभी इन्होंने यशोपित बताया था 52%, मैं तो कहता हूं कि हम 98% है, लेकिन हम सब जाति धर्म के गरीबों को भी गले लगाते नहीं, एक ऐसी एक माहौल बना दिया है, उन्होंने बना दिया और हम उसमें शामिल है कि वो और हम, वो और हम क्या, वो हिंदू हम मुस्लिम, अरे ये क्या है, ये तो सरासर गलती है। वो और हम कुछ नहीं, हम सब एक है। मैं तो यहां तक जा गया हूं और मैं कोशिश करता हूं कि हमारे हर घर में लिख